तो आगे तुम लोग तो मिलो उनसे। ये है हम रोस्टर्स के प्यारे राज दुलारे, हमें कंटेंट देने वाले एक छपरी ब्लॉगर जिनके यूट्यूब चैनल पर करीब 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इनके चैनल का नाम है YPM ब्लॉग। जी हाँ, YPM ब्लॉग। यहाँ टट्टी मिलेगी। मिलेगी क्या? मिलती है वैनचोद। तो भाई YPM ब्लॉग के पास एक टैलेंट भी है कि ये अपने वीडियो में क्लिकबेट ना के बराबर करते हैं। मतलब इनकी वीडियो में क्लिकबेट होती नहीं, बहुत शरीफ है भाई ये। बाइंग 5 acre लैंड ऑन मून, नो क्लिकबेट। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैंने बोला था ना कि ये भाई क्लिकबेट ना के बराबर करता है। इनकी एक भी वीडियो में क्लिकबेट है ही नहीं। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। हाँ तो हेलो, वेलकम टू स्टार्ट सुजी। तो भाई जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये बंदा बहुत ही अमीर है। इतना अमीर है कि लोग इसको छपरियों का अंबानी, सुनियों का जियान, अरे रिच रिच कहते हैं वैनचोद। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि अमीर लोगों का काम होता है खरीदना, उसी तरह इस छपरी का काम है दिखाना, मतलब शो ऑफ करना। भाई में ये टैलेंट भी कूट कूट कर भरा है। मतलब इस चोदूमल ने कुछ महीने पहले अपने लिए ऑडी R8 एक सुपर कार ली थी, जिसके ऊपर इसने इतना वीडियो बनाया है कि अब ऑडी वाले भी सोचने पड़ गए और कह रहे हैं जो इसको ऑडी R8 दिया। नहीं भाई, तुम खुद ही देखो कि इसने अपने ऑडी R8 के ऊपर कितना वीडियो बनाया है। माई न्यू बीस्ट सुपर कार डिलीवरी, माई न्यू सुपर कार ऑडी R8, क्रेजी पब्लिक रिएक्शन ऑडी R8, माई पेरेंट्स रिएक्शन इन माई ऑडी R8, ड्राइवर अंकल ड्राइविंग ऑडी R8, ग्रैंड फादर फर्स्ट राइड इन माई ऑडी R8, फर्स्ट गियर चैलेंज ऑडी R8, माई फर्स्ट राइड ऑन ऑडी R8, RS 20 lakhs मॉडिफिकेशन ऑन ऑडी R8। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दिल्ली कॉप्स वर्सेज ऑडी R8, टॉप स्पीड ऑफ माई ऑडी R8, स्टीम वॉशिंग माई ऑडी R8, एक्सीडेंट प्रैंक ऑन ऑडी R8, 10 rupees का पेट्रोल इन ऑडी R8। अरे हाँ भाई, मान लिया कि तेरे पास ऑडी है, अब क्या उसकी गांड मार के छोड़ेगा? नहीं भाई, इसने तो पूरा वेब सीरीज बना के रखा है ऑडी पे। साला इसकी वीडियो में मैंने इतना ऑडी देख लिया है ना कि अगर आप सामने से भी ऑडी गुजरती है तो मन से एक ही आवाज निकलता है, लौड़े का ऑडी है। मैं तो कहूंगा भाई तू एक काम कर, एक और वीडियो बना और उसके टाइटल में लिख ऑडी इन माय बूंड फॉर फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब। नहीं भाई, दिमाग का भोसड़ा करते इसके ऑडी R8 की वीडियो ने। और ऊपर से मुझे इसकी एक और वीडियो दिख गई जिसमें इसने 5000 की हेयर कट करवाया था। Well, so what's up guys, welcome vlogs back here and guys welcome back to another daily vlog। एक तरह से ये वाली जो वीडियो ये है पार्ट 2। तो एक्जेक्टली हुआ क्या है कि मैं शाम को गया था कटवाने के लिए बाल अपने ट्रूफिट एंड हिल से, जो की ओल्डेस्ट बार्बर शॉप है एंड वो बहुत सारा लग्जरी सैलून है। तो ये है ट्रूफिट एंड हिल का एनवेलप, इसके अंदर है बिल और जो बिल है वो है 5000 rupees हेयर कट एंड शेव का। 5000 का हेयर कट? भाई सच बताना कि कौन से बाल काटे गए हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले? नहीं यार, इतने में अपने बाल क्या, मैं अपने 10-15 दोस्तों के बाल भी कटवा दूं पर फिर भी कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे जिससे तुम फिर से गजनी कट करवा सकते हो। और तुम इनको देख लो, ये 5000 में बाल कटवा के आए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? माय पेरेंट्स रिएक्शन टू RS 5000 हेयर कट, गुस्सा आ गया। अभी आप बिल देखो। माय गुडनेस, 5020, ये ऐसा क्या कटिंग में? हेयर कट एंड शैम्पू रॉयल स्वीट चार्ज, हमारा शेव 2200 rupees की है। माय गुडनेस, बट दैट इज व्हाई यू आर लुकिंग बिट डिफरेंट आल्सो। हां, अगर इसकी जगह मेरी फैमिली होती ना तो मेरे को लात मार के अभी तक घर से बाहर निकाल दिया गया होता। और मेरी क्या, तुम्हारी फैमिली भी होती तो यही करती, 2 दिन तक खाना ना मिलता वो अलग। चलो छोड़ो, बड़े लोग हैं ये, इनके यहां होता होगा ऐसा। ये तो अपना गांड भी बिस्लरी के पानी से धोते होंगे। 5000 rupees की बाल? हां, जितने भी तेजी हाइजीन एंड सेफ्टी कॉस्ट ले रहे हैं ना, इतने में तो बाल कट जाते हैं। और जो शेव है वो शेव 2200 rupees की है। रॉयल सूट? हाँ, वो रॉयल सूट रूम है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमेशा अभी क्या बाल कटते हैं भाई, सच बता रहा हूँ एकदम, अगर इसकी जगह हमारे बाप होते ना तो अभी तक हमें अपने जायदाद से बेदखल कर दिए होते हैं, भानु प्रताप की तरह। क्यों भानु प्रताप? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद। नहीं भाई, तुम लोग ही देखो, ये है इनका 5000 की हेयर कट करवाने से पहले की फोटो और ये है उसके बाद की फोटो। कुछ चेंज दिख रहा है इनमें? उतना ही फर्क है जितना एक चूती और निब्बे में फर्क होता है, मतलब कुछ नहीं। पर वैसे भी इसका जाना क्या है, इसने 5000 rupees की बाल कटवाई और उसपे 2 वीडियो बना दी और दोनों पे ही 3 lakh के करीब व्यू है। मतलब समझ रहे हो, इसने इन्वेस्ट किया सिर्फ 5000 और प्रॉफिट निकाला उसका 5 गुना ज्यादा। इसे ही कहते हैं जी सी जब बिजनेस। माई न्यू लुक वेयरिंग धोती फॉर फर्स्ट टाइम। हाँ भाई देख लो इसको, इसने पहली बार धोती पहनी तो उसपे भी वीडियो बना दी और ये 1,70,000 लोग इसका धोती देखने आए थे। अरे शर्म करो, मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब इसकी शादी होगी और उसपे भी इसका कोई ना कोई वीडियो जरूर आएगा जिसका टाइटल होगा माई फर्स्ट सुहागरात वेयरिंग कॉन्डम फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब सीरियसली मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इसने एक धोती पे वीडियो बना दिया है। और भाई मुझे तो इसके ऑडियंस पे तरस आ रहा है, पता नहीं इतना टॉर्चर कैसे सह लेते हैं ये लोग। छे, डिलीवरिंग स्विगी फूड ऑन ऑडी R8, बस यही देखना रह गया था अब ऑडी से फूड डिलीवर किया जाएगा। नहीं यार, अब कितना शो ऑफ करेगा, बस कर दे भाई, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कार की सभी कंपनियां तेरे को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, फिर झुंझुना हिलाता फिरना। यू आर राइट ब्रो, बट फिर भी वेट ही कर रहा हूं इतनी देर से, जैसे होंगे ऑर्डर आएगा चलेंगे फिर, बट उनको गली वगैरह का ना आ जाए फिर हमको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो अभी जैसे गाड़ी में बैठा वो ब्लॉग ही कर रहा था और मेरा चालान कट गया।
फिर मैंने भी रिमूव करी अपनी टी शर्ट और ये चालान मेरा कटा है कोर्ट का। कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि गाड़ी चाहे तुम कितना भी महंगा ले लो, लेकिन रूल तो रूल होता है ना। और ट्रैफिक पुलिस ये बिल्कुल नहीं देखती कि आपके पास ऑडी है या लौंडी है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो चालान तो कटेगा ही ना, उसमें रंडी रोने की क्या जरूरत है। बस फोटो स्क्रीन के ऊपर ये कैसा कट चलाना है। विजिटिंग मिस्टर रजनीकांत हाउस इन चेन्नई। विजिटिंग तो ऐसे लिखा है जैसे रजनीकांत इसका रिश्तेदार है। और मैंने इसकी ये पूरी वीडियो उठा कर देख ली, पर मुझे तो रजनीकांत कहीं दिखे ही नहीं। बस दिखा है तो उनका घर जहाँ पे ये फोटो खिंचवा के आ गया है, पीछे रजनीकांत जी का घर। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है इसलिए आई कांट शो यू गाइस, बट मैंने यहाँ पे फोटोज वगैरह खींची थी। देखो स्क्रीन पे फोटोज। जब तुझे रजनीकांत के घर में जाना ही नहीं था तो वीडियो में विजिटिंग मिस्टर रजनीकांत हाउस लिखा ही क्यों मादरचोद। नहीं भाई, ये वीडियो पूरा 8 मिनट का है जिसमें से इसने सिर्फ 70 सेकंड का रजनीकांत का घर दिखाया है। साला इसको तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए काला पानी की सजा होनी चाहिए। इतना गंदा चूतिया मेरे दोस्तों ने नहीं काटा था जितना इसने काट दिया यार। और ऊपर से इसका ये इंट्रो। वेल सो गाइस गाइस व्लॉग्स बैक एंड वेलकम बैक टू चैनल। साला ये इंट्रो था कि इसके मुंह में ऑडी आरेट फंस गया भाई। कोई इस गरीबों को जियान को समझाओ कि यहाँ पे डोरेमोन नहीं चल रहा है जो जियान की तरह गाना गाकर चले जाओगे। ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में पब्लिक गांड फाड़ देती है। तो गाना गाना यानी शो अप करना बंद करो और कुछ ढंग का वीडियो बनाओ, क्योंकि ज्यादा दिन तक आपके ऑडियंस बच्चे नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन ये मैच्योर जरूर होंगे। और अगर आप नहीं सुधरे तो भानु प्रताप की तरह ये आपको बहिष्कार कर देंगे। क्यों भानु प्रताप? हाँ तो गाइस आज की मधुरी यही खत्म करते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। ये कमेंट करना ही, तभी तो ये वीडियो चलेगी। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। विनोद जरा रिसर्च कर कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है भाई, वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करना है।